बहुत समय पहले हिमालय की चोटी पर एक चमत्कार हुआ था। महामाया, महामाया उठो। क्या हुआ, तुम क्यों मुस्कुरा रही थी? मैंने एक अजीब सपना देखा महाराज। मुझे लगा ही था। क्या देखा बताओ? एक खूबसूरत सपना, आसमान में तारे और एक हाथी। एक हाथी? हाँ महाराज, छह दांतों वाला। छह दांतों वाला? हाँ, छह दांतों वाला। वो सफेद हाथी मेरे पास आया और मेरे नृत्य में मेरा साथ दिया। सच में? शाही जोशी को रानी के सपने का अर्थ बताने को कहा गया। महाराज की जय हो। मैंने रानी साहिबा के सपने का अर्थ लगा लिया है और आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच में? बताओ क्या होगा? अभी बताता हूँ। लड़का या लड़की? लड़का ही होगा। साम्राज्य को एक खूबसूरत राजकुमार मिलेगा। एक बढ़िया खबर, सारी दुनिया जान जाएगी। वो बड़ा राजा बनेगा। हाँ, दुनिया पर राज करेगा अगर वो चाहे तो। क्या मतलब अगर वो चाहे तो? मेरा बेटा दुनिया पर राज करेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं महाराज। कृपया मैं जरा थोड़ी देर जांच के लिए हुआ। बिल्कुल, मैं तुम्हें भेजूंगा सही समय आने पर। कितना खूबसूरत नजारा है, है ना? तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने रानी साहिबा। ओह, मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है। कैसा एहसास रानी माँ? वो अंदर से मुझे पैर मार रहा है। पुष्पिका, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है। अभी रानी माँ? हाँ अभी, मुझे महसूस हो रहा है यहीं रुक जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। एक बच्चा पैदा होने वाला है और माँ कहती है मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। कमाल है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि बच्चा किसी का आशीर्वाद है। रानी साहिबा, आप ठीक तो है? हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना अच्छा होगा। लड़की को जन्म दिया है। वाह, वो कितना सुंदर है, जरा देखो तो। हाँ,
लाने को मेरा जन्म हुआ है। इस दुनिया में मेरा ये आखिरी जन्म है होश में होने का। वाह, इस चक्र को तो देखो, कितना स्पष्ट है, कितना सुंदर, पूरे 12 हैं। पर इसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्या मतलब होता है इसका? आपका बेटा आगे चल के अलग तरीके का महान शासक बनेगा। क्या? हाँ, एक अलग तरह का शासक। हाँ महाराज, बहुत अलग। ये बच्चा शायद पूरी दुनिया पर राज करेगा, या पूरी मानव प्रजाति की संकट से रक्षा करेगा। पर महान शासक वो जरूर बनेगा। नहीं नहीं नहीं, दुनिया को बचाना वगैरह कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा देश पे राज करे, हो सके तो बाद में दुनिया पर। तुमने मुझे एक खास बच्चा दिया है मेरी रानी, सही समय आने पर मैं उसे उचित पुरस्कार दूंगा। एक दमदार घोड़ा, बर्फ जैसा सफेद हाथी, एक बलवान सेनापति और एक खूबसूरत जवान पत्नी तुम्हारे जैसी। ठीक है ठीक है। और बाद में उसे उसकी सुंदर पत्नी मिल जाए। अब उसे थोड़ा सोने का समय दीजिए। और जल्द ही राजा ने उसके मंत्रिमंडल को सभा कक्ष में उपस्थित होने को कहा। सज्जनों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे के नाम पे सुझाव दें, एक नाम जो मेरे देश के इतिहास में अजरामर हो। क्यों ना उसे सर्वे पिसेदा बुलाएं, यानी पूर्ण संपन्नता। सर्वे पिसेदा। सर्वे पिसेदा, ना ना ना, ये बहुत बड़ा नाम है, पर मुझे अंतिम अक्षर पसंद आए, सीधा। सीधा यानी विजय। सीधा, सीधा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम कैसा रहेगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है। कहो प्रिय, तुम्हें कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, सिद्धार्थ बहुत सुंदर नाम है, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ रांधो, ये बहुत अच्छा नाम है। स्वागत है बूढ़े विद्वान। स्वागत है, स्वागत है संत सीता, आपके आने से हमारा मन बढ़ गया। बधाई हो महाराज। ओह, अरे वाह मर्चे, तुम सिद्धार्थ हो। पर बजाय खुशियों के संत सीता की आंखों में पानी आ गया। आप रो क्यों रहे हैं महानुभाव, हमें बेटा हुआ है, क्या ये खुशी का मौका नहीं है? महाराज, मैं किसी की प्रार्थना नहीं करता, पर इस बच्चे के सामने मैं शीश झुकाता हूं, क्योंकि ये बच्चा जीने के मूल मंत्र सिखाएगा और मानव जाति को सुरक्षित रखेगा। महाराज, आपके बेटे का जन्म एक महान घटना है, शायद सबसे महान। पर फिर आपको तो खुश होना चाहिए। पर मैं बूढ़ा हो गया हूं और ज्यादा समय जिंदा नहीं रहूंगा। मैं अपने बेटे के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। इतना खुश मत हो, आपकी तलवार पर रोग लग जाएगी इस बालक की वजह से, और तुम्हारे लिए रानी साहिबा, तुम्हारी मानव जाति पर उपकार है, जल्द ही तुम शांति से मर जाओगे। अब और आंसू नहीं और तकलीफें नहीं। कोई कोई कृपा करके इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि ये कुछ और कहे। दुख भरी बातें और रानी की मौत की खबर हवा में फैलने लगी। मेरी प्यारी बहना, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इसका ख्याल रखोगी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे महान बच्चे को जन्म दिया। रानी महामाया ने अपनी आंखें फिर नहीं खोली।
माँ अब तक क्यों नहीं उठी? रानी माँ, रानी माँ, कृपया उठिए रानी माँ। ओह, रानी माँ, आ जाओ मेरे बच्चे। छोटे सिद्धार्थ ने अपना बचपन एक सुरक्षा कवच में गुजारा, जिसमें एक राजकुमार के लिए सारी सुविधाएं थीं। हे सिद्धार्थ, चलो हम खेलते हैं। अभी नहीं देवराज, बाद में। ठीक है, जैसे तुम चाहो। हम चलते हैं दोस्त। बड़ी अजीब बात है, सिद्धार्थ खेलता ही नहीं है। या तो पढ़ता रहता है या बैठे सोचता रहता है। बड़ा अजीब लगता है मुझे। चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। सिद्धार्थ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं बस बैठा हूँ। क्या तुम्हें कोई चिंता है मेरे बेटे? नहीं पिताजी, आपने क्यों पूछा? क्योंकि तुम खेलते ही नहीं हो बेटे। तुम्हारी उम्र के बच्चों को खेलना चाहिए। मैंने कोशिश की पिताजी, बस कभी कभी नहीं खेलता हूँ। कभी कभी, सिर्फ कभी कभी? और बाकी समय क्या करते हो बेटे? पिताजी मैं सोच रहा था कि। सोचना बेटे हमारे जैसे बड़ों का काम है। तुम्हारी उम्र के बच्चों को सोचना नहीं चाहिए। क्यों पिताजी? तुम एक राजकुमार हो बेटे, और पता है तुम्हें इसका मतलब क्या है? हाँ पता है, मैं एक दिन राजा बनने वाला हूँ। एकदम ठीक, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें गुरु विश्वामित्र के पास भेज रहा हूँ। वो तुम्हें हर चीज सिखाएंगे जो एक राजकुमार को पता होनी चाहिए, समझे? ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें वर्णन करने को सिखाने वाला हूँ, अब मुझे ध्यान से देखो। ओम तत्सवितुर वरेण्यम। क्या मैं कोशिश करूँ? क्या तुम कर सकोगे? हाँ। ओम तत्सवितुर वरेण्यम। बस हो गया सिद्धार्थ, लिखना बंद करो। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैंने सीखा नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें कुछ नियम सिखाता हूँ, अब मेरे बात बोलो। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छः सात आठ नौ, दस बीस तीस चालीस पचास साठ। पचास को दो से गुणा करें तो सौ, सौ को दस से गुणा करेंगे तो एक हजार, एक हजार के दो टुकड़े करेंगे तो पाँच सौ, पाँच सौ में से दो सौ निकालेंगे तो तीन सौ बचेंगे, और तीन सौ गुना चार सौ बनेंगे बारह लाख। बस बहुत हो गया सिद्धार्थ। लेकिन मैं आगे भी बता सकता हूँ गुरुदेव। नहीं ये सब काफी है, तुम्हें तो विज्ञान और गणित अच्छा आता है। अब मैं तुम्हें लंबाई और ऊंचाई सिखाता हूँ। गुरुदेव चलो इससे भी कठिन उदाहरण से शुरू करते हैं। दस सालों का एक दशक हुआ, दस दशकों का एक युग, दस युगों की एक शताब्दी, सात शताब्दी से बनी एक कालावधि। इससे भी कहीं आगे हम जा सकते हैं गुरुदेव। सरसों, जवार, बाजरा, भुट्टा, बहुत कुछ है। ऐसे कई धान बोएंगे तो विश्व का चक्कर हो सकता है। तारे, ग्रह और अनुग्रह, ऐसे 20 ग्रह तारों से बनेगा धूमकेतु। विश्व में ऐसी कई धूमकेतु हैं। देखा जाए तो 44 धूमकेतुओं की शलाका होती है। और गुरुदेव मैं आपको सूर्य की शलाकाएं भी गिनवा सकता हूँ। गुरुर्विष्णु
गुरुदेव कृपा करके ऐसा मत करिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया उठिए। हे महान बालक, आपको सिखाने को मेरे पास कुछ नहीं, आप सारे आचार्यों के आचार्य हैं। मैं आपको वंदन करता हूँ, आपका ज्ञान और बुद्धि परिपूर्ण है। अभी यही है, अब हम क्या करें? मैं तैयार हूं मेरे भाई। ये इधर है, इसे मारो। देखो पंछी, सिद्धार्थ ये पंछी मेरा है, उसे मुझे दे दो, समझे तुम? नहीं देवदत्त, ये तुम्हारा नहीं, वो आसमान का पंछी है। क्या मतलब है ये आसमान का? मैंने मारा इसे तो ये मेरा हुआ। नहीं, तुमने स्वान को नहीं मारा, तुम तो इससे खेल रहे थे, हमें इसके जख्म भरने होंगे। जख्म भरेंगे? हाँ, और इसे वापस छोड़ देंगे। देखो मेरे भाई, वो मेरा निशाना था, मेरा तीर, मेरा कमान और मेरा वार, तो ये पंछी मेरा हुआ, तो लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धार्थ देखो, अजीब बर्ताव मत करो, ये पंछी मेरा है। किस हक से? दया के हक से, मैं इन पंछियों और अपने जीवन के बीच का सूत्र हूँ। अगर ये बात है तो मुझे ये बात अपने बुजुर्गों तक ले जानी होगी। बचाने वाला सबसे ऊंचा होता है, जो प्राण बचाए उसका कार्य सबसे महान है। वरना आदमी की बुद्धि नाश हो जाती है, बचाने वाला हमेशा जीतेगा। इसलिए मेरे प्यारे सिद्धार्थ, तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है वो तुम्हारा हुआ, ले जाओ और ध्यान रखो। सिद्धार्थ मेरे बेटे, मुझे खुशी है कि तुमने इसे बचाया। धन्यवाद पिताजी, पर एक बात और है। अब क्या है बेटे? आपको देवदत्त को माफ करना होगा। ओ हाँ, जरूर।
मुझे तुम पे गर्व है बेटे। पिताजी। आओ चलो सिद्धार्थ, जरा अपने प्रांत में टहल कर आते हैं। अरे वाह,